एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको आइल्स भी नहीं चाहिए, जिसमें आपको प्रूफ ऑफ फंड्स भी नहीं चाहिए, कोई एज लिमिट भी नहीं है, काफ़ी सारे स्किल प्रोफेशनल शायद क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो आज हम इस प्रोग्राम के असल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करेंगे। यूएस के इस प्रोग्राम के आने से बड़ा लोगों के अंदर फ़ायदा नज़र आ रहा है कि ये बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है और हर बंदा अप्लाई करेगा। यूएस का नाम सुनते ही जो है वो आंखों में चमक सी आ जाती है। कैनेडा भी लोग जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी, लेकिन यूएस की अपनी एक डिमांड है। जो ऑक्यूपेशन है मेनली जो सेलेक्ट होंगे वो स्टेम के लोग हैं, राइट? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग। मेरे ख्याल पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक से अगर देखा जाए तो यूएस के पास बैकलॉग ज़्यादा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान का चुके बैकलॉग कम है, लोग नहीं अप्लाई करते रहे, तो अब इसलिए प्रोसेसिंग टाइम भी काफ़ी बेहतर हुआ है। सर स्टोरीज कितना भी ये मार्केट चैलेंज है, सक्सेस स्टोरी सिर्फ आपको एप्लीकेशन पिटिशन आगे प्रोसीड होगी, ये सक्सेस भी नहीं है। कन्फर्मेशन नंबर आएगा, ये सक्सेस भी नहीं है। जब तक आपके पास वीज़ा ग्रांट नहीं हो जाएगा और आप Hey guys, welcome back to another episode of Immigration Talk. You are watching Pakistan's first and only immigration podcast. और आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक नए अंदाज और एक नए प्रोग्राम के साथ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले US इमिग्रेशन प्रोग्राम के ऊपर। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट हमें रिसीव हो रही थी कि इस प्रोग्राम के ऊपर बात किया जाए, और एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको आइल्स भी नहीं चाहिए, जिसमें आपको प्रूफ ऑफ फंड्स भी नहीं चाहिए, कोई एज लिमिट भी नहीं है, काफ़ी सारे स्किल प्रोफेशनल शायद क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो आज हम इस प्रोग्राम के असल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करेंगे कि कौन हजरात अप्लाई कर सकते हैं, क्या चांसेस हैं, खर्चा कितना आ जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर के चलेंगे। और इन पॉडकास्ट सेशंस में थोड़ा सा ब्रेक जरूर आ गया था हमारे, ऑब्वियसली ड्यू टू द रीजन ऑफ बिजी स्केड्यूल और हमारी ट्रैवलिंग, लेकिन इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस अहम टॉपिक के ऊपर। और आज हमारे साथ एक मरतबा फिर हमारे सीईओ एंड सीनियर इमिग्रेशन कंसल्टेंट मिस्टर आदिल इस्माइल, हु हैज़ एन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन दिस इमिग्रेशन इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। आप मेरे इंट्रो से समझ गए होंगे कि बड़े ज़बरदस्त टॉपिक पर हम बात करेंगे। जी जी बिल्कुल, मैं मुंतजर था और काफ़ी मुझे क्लाइंट की तरफ से भी पुश किया गया, कहा गया, रिक्वेस्ट की गई कि आप इस पे यूएस पे क्यों नहीं काम करते। ऑल दो को जितने मार्केट में कंसर्नस भी काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे होंगे, उससे कोई हमें सरोकार नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट कि असल हकाइक को बयान करना और मिथ को क्लियर करना वो मेरा हमेशा से खासा रहा है। तो लोग जानना चाहते हैं क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री से हमें जहाँ पर ड्रीम का सौदे होते हैं, जो लोग अपना पूरे जमा पूंजी लगाते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉन्शियस भी होते हैं कि कौन सा प्रोग्राम सही है और कौन से लोग ऐसे अप्लाई करें जो आपको पाए, आप उसका जो रिजल्ट है वो आपको जो है वो और पाए तकमील तक पहुंचा सके, उसको रिजल्ट हासिल कर सकें। तो यूएस एक बहुत मोस्ट कोवेटेड डेस्टिनेशन है और हम बचपन से बड़े हुए हॉलीवुड और शिकागो और लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क को सुनते हुए देखते हुए, तो एक अट्रैक्शन तो है जो जैसे आपने कहा कि चमक, हाँ जो चमक जो है वो आती है, और बहुत से लोगों के रिश्तेदार वगैरह भी होते हैं, तो यूएस तो हॉट डेस्टिनेशन है। बट अनफॉर्चुनेटली यूएस एक अरसे दराज से कोई ऐसा पॉइंट बेस्ड सिस्टम या ऐसा आपको प्रोफेशनल्स के लिए कोई स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम नहीं रन कर रहा, जैसे कि यूके ने किया अपने ज़माने में, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा एक अरसा दराज से कर रहे हैं, तो लोग माइग्रेशन वहीं पर हासिल करते हैं। यूएस के इस प्रोग्राम के आने से बड़ा लोगों के अंदर फ़ायदा नज़र आ रहा है कि ये बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है और हर बंदा अप्लाई करेगा। सबसे पहले तो EB2 NIW, नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम, ठीक है? अब उसका थोड़ा सा मैं क्लियर ये करूँगा कि आम जनता तक, आम आवाम तक, आम ऑडियंस तक बात बहुत सहल अंदाज में समझ में आ जाए कि नेशनल इंटरेस्ट वेवर जो है, चाहे वो एक्सेप्शनल एबिलिटी पे हो, चाहे वो आपके पास एडवांस डिग्री की शक्ल के अंदर, सब कैटेगरी के अंदर हो, आपको कतन ये बात समझ लेना चाहिए कि ये प्रोग्राम उन हजरात के लिए जिनके पास बहरहाल एक्सेप्शनल एबिलिटीज हो, चाहे वो एडवांस डिग्री के अंदर हो, चाहे वो एक्सेप्शनल एबिलिटी का अपना प्रोग्राम के अंदर हो। क्यों? क्योंकि यूएस एक ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और वर्ल्ड लीडर है, ठीक है ना? उसको क्यों कर चाहेगा कि एक नॉर्मल सा इंजीनियर बंदा या नॉर्मल सा आईटी प्रोफेशनल बंदा जो है वो अप्लाई करे, पिटिशन दे और जो है उसको वेवर कर दिया। वेवर क्या है कि नॉर्मली आपको जॉब ऑफर दरकार होती है H1B वीज़ा करने के लिए, या और जितने भी वर्क परमिट के प्रोग्राम्स है या वर्क ऑथराइजेशन के प्रोग्राम है, उसमें आपको जॉब ऑफर चाहिए होती है। तो वेव किया जाएगा, वेव किया जाएगा आपकी एबिलिटी के ऊपर, आप क्या करते हैं, आप एक खुद क्या है, आपके अंदर क्या जो है वो एबिलिटी है, और आप क्या लेकर आ रहे हैं, जो प्रोजेक्ट, जो इंडिविजुअल जिसको हम कहते हैं, वो इंडिविजुअल आपके पास जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। वो थ्री प्रॉन्ग्स के अंदर जो है वो मेंशन की हुई है, आपको एक्सेप्शनल एबिलिटी भी, तो
कोशिश आपको ये करना चाहिए कि इमिग्रेशन लॉज जिसके जिसकी आगाही हो, जिसके पास नॉलेज हो, जैसे कि हम चूंकि लॉ बैकग्राउंड से तो हम इस तरीके से आसानी के साथ लॉन्च नहीं करते हैं. Exactly. पहले हम अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस करते हैं, हम उन लॉज को पढ़ते हैं, फिर जो अटॉर्नी जैसे मैं खुद ऑथराइज भी हूँ कैनेडा का भी, तो उनके साथ डील भी होती है, उनके साथ डिस्कस भी होती है, और वो पैनल्स पे आने के बाद हम फिर ये इस तरह से लॉन्चिंग करते हैं. आम लोकल मार्केट में तो यही है कि लोग जो है वो सिर्फ एक कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं, और उसकी वजह आप जिस तरह बताया कि यूएस का नाम सुनते ही जो है वो आंखों में चमक सी आ जाती है. कैनेडा भी लोग जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी, लेकिन यूएस की अपनी एक डिमांड है, और एक कई अरसे दराज तक जो है वो एक यू नो अजम्पशन भी रही, और ऐसा हकीकत में भी है कि यूएस के इमिग्रेशन मामलात में आपको शायद 10-10 साल भी लग जाते हैं. तो ये जो प्रोग्राम है यू नो एक क्विकर प्रोसेसिंग टाइम के साथ भी मेरे ख्याल आ रहा है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे. जो हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन है ऑब्वियसली सबको पता है, जो हालात हैं, जो मामलात हैं, उसमें इस तरह के नए नए प्रोग्राम जब आते भी हैं, ये आया क्यों है? सबसे पहले प्रोग्राम सबसे पहले जहन में आएगा कि कोई स्कैम तो नहीं है, कोई प्रोग्राम फेक तो नहीं है. ये प्रोग्राम अपनी जगह पर हकीकत है, और इस प्रोग्राम में जो हमने कहा कि EB-2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर है, इसके अंदर हाईली क्वालिफाइड और हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ही देखा जाएगा. ऑल दो कि आप अगर जो है वेबसाइट के ऊपर जनरली अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एडवांस डिग्री सिर्फ चाहिए और मैं अप्लाई कर दूंगा. बिल्कुल, इसी को समझना जरूरी, क्योंकि कंसल्टेंट्स जो हैं वो अक्सर तो यही कहते हुए पाए जा रहे हैं कि जी कोरोना आ गया, यूएस के अंदर लेबर शॉर्टेज हो गया, अब उनको लोग चाहिए. तो ये चीज़ लोगों को इतना समझ में अभी तक भी यू नो नहीं आ रही है कि एक जगह पर प्रोग्राम है जॉब ऑफर के साथ और एक जगह पर वेव किया जा रहा है, तो उसको क्यों वेव किया जा रहा है, मैं चाहूँगा इसके रोशनी डालिएगा. देखिए बहुत हद तक ये बात जानने की जरूरत होती है कि सिर्फ कोरोना की वजह से उन लोकल्स ने जॉब छोड़ दी तो वो क्या कर रहे हैं, वो दोबारा भी आ सकते हैं. तो ये एक दलील नहीं है, ये आप जब आम आदमी को आम जनता को आप बता रहे हैं तो वो बेचारा है उसको तो सिर्फ ये है कि एक पॉडकास्ट आ गया, एक यूट्यूब आ गया, यूएस बिक रहा है, मैं अप्लाई कर दूं, मेरा काम हो सकता है, आइल्स नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए. भाई बात ये है कि यूएस एक जो है फर्स्ट वर्ल्ड हम कंट्री कह रहे हैं, वर्ल्ड लीडर एक कंट्री है, वो आपको इतनी आसानी के साथ नहीं कि आपकी पटिशन लेगा. अब यहाँ पर ये मसला है कि पटिशन फाइल करने के बाद कन्फर्मेशन नंबर आ जाता है, ऐसे ही है रिगार्डलेस कि आपकी पटिशन जो है वो आगे जाकर क्या उसका जो है रिजल्ट आएगा. और आप को दिखा दिखा के कहते रहे कि यार देखो इसका नंबर आ गया, इसका नंबर आ गया, इसकी ये नंबर आ गया. ये इतनी बड़ी हिमाकत है, और हमारे लोग जो जैसे मैं अक्सर और बेशतर अपने मीटिंग्स में भी कहता हूँ कि बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है जिस प्रोफेशन के अंदर हैं हम, कि लोगों को समझाना और उस चीज़ के अंदर जिसमें जहाँ ड्रीम्स हैं, जहाँ पर आपको माइग्रेट करना है, जहाँ आपने पैसे लगाने हैं, या तो आप बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हैं या बहुत ज्यादा नाइव हैं. बिल्कुल ऐसी है, और डेस्परेशन पर साथ में आ जाए तो क्या ही बात है. सोचते नहीं है कि ये चीजें आप दिखा रहे हैं, ये चीज देखिए सक्सेस स्टोरीज कितना भी, ये मार्केट चैलेंज है, सक्सेस स्टोरी सिर्फ आपको एप्लीकेशन पिटीशन आगे प्रोसीड होगी, ये सक्सेस भी नहीं है. कंफर्मेशन नंबर आ गया, ये सक्सेस भी नहीं है. जब तक आपके पास वीजा ग्रांट नहीं हो जाएगा और आप 2, 4, 6, 10, 12 लोगों को कर देंगे, तो इसलिए मार्केट के अंदर ये प्रोग्राम है यूएस के, आपके पास मैक्सिमम इमिग्रेशन लॉयर्स भी पाकिस्तान में काम करते हुए कम नजर आएंगे. तो अब आपको इन्हीं कंसर्न्स का ही जो है वो सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ये समझते हैं कि आपसे बेहतर क्वालिफाइड होते हैं. तो मेरा जो यही एक जो है आर्गुमेंट है कि आप ज़रूर करें, जिनसे भी हजरात से करें, जो यूट्यूब पे भी हैं या वैसे काम भी कर रहे हैं कंसर्न में, आप उनसे करें, लेकिन आप अपनी पिटीशन ऐसे क्वालिफाइड तरीके से प्रेजेंट करें. पहले आपको वो 3 prongs पता होना चाहिए कि आप मेरिट के ऊपर आपका जो है वो जो है ऑक्यूपेशन कैसे होगा, आप सब्सटेंशिएट कैसे करेंगे उसको, आपकी खुद की जो है वो एबिलिटी क्या है, रादर देन सिर्फ आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं और 2-4 आप जो है वो रेफरेंस लेटर बना रहे हैं. देखिए समझने की बात है, ऐसे ही है. आप जो है एक्सेप्शनल एबिलिटी को या एक्सेप्शनल एबिलिटी को देंगे कि 8 CFR 204.5 और उसके 1, 2, 3 GB सेक्शन आप जो है देखेंगे तो उसमें आपको नजर आ जाएगा कि एक्सेप्शनल एबिलिटी क्या होगा, एडवांस डिग्री कैसे काम करेगी. तो लोग थोड़ा सा कतराते हैं, इंग्लिश भी नहीं पढ़ना चाहते, समझना भी नहीं चाहते, और वो फिर रिलाय करते हैं कि ना ये नंबर आ गया, ये नंबर. देखिए नंबर्स आने से नहीं होगा. अब ये ट्रेंड चूंकि हमने दे दिया कि सक्सेस स्टोरीज दिखाओ और लोगों को बताओ कि भाई ये होता है, लेकिन आप सिर्फ छोटी छोटी चीजों को देखकर भी नहीं होता, आपको पूरा मुझे क्यों एतराज है, मुझे एतराज ये कि मुझे किसी क्लाइंट ने कहा कि फलाने फलाने तो जो है वो आकर कह रहे हैं कि मीटर रीडर का भी हो जाता है. अब कैन यू बिलीव इट कि आप एक ऐसा प्रोग्राम अमेरिका जो है वो लेके आया जिसपे वो नेशनल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है और इतने जमाने तक नहीं बुलाया उन्होंने, और अब उनको ऐसी जरूरत पड़ गई मीटर रीडर को क्यों बुलाएंगे. तो पहले तो प्रोजेक्ट को समझे, एंडेवर्स को समझे कि आपने, और उसके ऊपर सब्सटैंशिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या आपने, एविडेंसेस, क्योंकि जब आपकी पिटीशन फाइल होगी, कंफर्मेशन नंबर आएगा, उसके बाद आपको जब इंटरव्यू कॉल होगा तो वीजा ऑफिसर का अपना एक मैनुअल है टू डिटरमाइन कि किसको देना है और किसको नहीं देना है. और उसमें नंबर ऑफ एविडेंस जो आपके ऊपर है
प्रूफ ऑफ बर्डन आपके ऊपर, आपने वो क्या जमा कराए थे, आप उसके ऊपर अहल होते, आपने अपनी पूरी सीपीडी आपने दी है, आपने कंपिटेंसी डिमॉन्स्ट्रेशन अपनी रिपोर्ट के तौर पर आपने दी है, क्योंकि इस प्रोग्राम को ज्यादातर जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। जी हाँ, तो थोड़ा सा इसी में डाइव इन कर लेते हैं ना कि जब हम कह रहे हैं कि जी एक्सेप्शनल एबिलिटी होना जरूरी है, रिगार्डलेस क्या आप एडवांस डिग्री वाली कैटेगरी में कर रहे हैं या एक्सेप्शनल एबिलिटी वाले में कर रहे हैं, क्योंकि इसी में यू नो मेन कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि अच्छा एक्सेप्शनल एबिलिटी को साइड पर लगा दें, जो हमारे पास एडवांस डिग्री है 5 साल की, एडवांस डिग्री तो पूरे पाकिस्तान में सभी के पास होगी, ऐसे ही है, हर चलते पड़ते बंदे के पास है, तो हर किसी को आप 5-6 लाख-10 लाख रुपए लेकर जो है वो करा दें और आप एग्रीमेंट साइन कर लें और कह दें देखिए मुझे एतराज नहीं है, कंसल्टेंसी वर्क करती है, कंसल्टेंसी में आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, बट द ओनली बारीक लाइन वो ये है कि सही और गलत, कि आप सही तरीके से लेके आ रहे हैं लोगों को या नहीं लेके आ रहे हैं, ऐसे ही है। आप स्पेशल एबिलिटी वालों को लेके आ रहे हैं, एक्सेप्शनल एबिलिटी वालों को लेके आ रहे हैं, वो सही से उसकी पिटिशन आप उस लेवल पर फाइल कर सकते हैं जिसके अंदर आप 3 प्रॉन्स में बात करो, लोग गूगल कर लें, रिसर्च कर लें, क्योंकि हमें क्वालिफाइड लोग चाहिए उनको, ऐसे ही है। और वो लोग जो कि ये नहीं डिफाइन करें जब आपकी पिटिशन आए कि मैं वहां जाके जॉब ढूंढूंगा, आपकी जो इंडिविजुअल्स है वो बताएगा कि मेरी डिमांड इतनी है, मेरा प्रोजेक्ट ये है, मेरी एबिलिटी ये है, मेरे पास जो मुझे प्रोफेशन के अंदर ऑक्यूपेशन के अंदर एडवांसमेंट के लिए प्रोग्रेस करने के लिए मेरे पास क्या क्या जो है वो क्वालिफिकेशन है या मैंने कैसे प्रोग्रेस किया है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, ये दो बातों करने के बाद तीसरी बात जो प्रॉन्स के अंदर बात होती है वो ये होती है कि Is it beneficial for US or not? Exactly. National interest के वही बात आ जाए। National interest, वो wave, wave का मतलब होता है आम लोगों के लिए, आम समझने के लिए, wave का मतलब होता है कि हम आपको job offer की, जो DOL होता है उनका, जो आपको employment contracts का जो confirmation होता है, labor market opinion भी अगर आपने लेना है या आपने confirmation लेनी है, तो वो उसको wave करने के लिए जो इतनी सारी requirements थी वो खत्म कर दी गई है। तो यहाँ पर इस पर बुनियाद पे होंगे कि जब आपके पास स्पेशल एबिलिटी होगी, एडवांस उसके लिए भी आपको एंडोर्समेंट चाहिए, फिर आपको प्रूव करना, तो एक स्ट्रॉन्ग पिटिशन फाइल होगी एंड देन वो जाएगी आपके इंटरव्यू की तरफ, और इंटरव्यू के अंदर और नेक्स्ट जो लेवल का जो इवैल्यूएशन है उसमें वीजा ऑफिसर आपका जो है वो सारा कंफर्म कर देगा कि ये बंदा चाहिए नहीं चाहिए। ऑल्दो कि इससे बहस नहीं है कि बी वाला, देखिए सबसे पहले तो ये समझ लें जो बात अब बीच में रहेगी कि जो ऑक्यूपेशन है मेनली जो सेलेक्ट होंगे वो स्टेम के लोग हैं, राइट, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, और उसके अंदर एंटरप्रेन्योर्स भी कर सकते हैं खासतौर पर, क्योंकि ये सवाल हो सकता है कि ये लोग तो हो गए क्योंकि इसमें कोई कैद नहीं एक्चुअली, लेकिन ये मेन है, इन्हीं में सारे जो है वो डेवलपमेंट भी होती है, चीज़ें भी होती हैं, तो आपको एक अच्छे लेवल की जो है वो अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना और करवाना है, और उसमें वो लोग जैसे कि हम स्टार्टअप पे काम करने वाले लोग हैं, हम एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ की जो प्रोग्राम है, एक्सेप्शनल जो यूके का प्रोग्राम है उसमें भी हमने काम किया हुआ है, तो इससे पहले भी हम जो है वो हाईली स्किल, मैं यूके HSMP के प्रोग्राम का जो है वो इंट्रोड्यूसर रहा हूँ, तो हमें ज़्यादा जो है इसके बारे में है कि किस तरीके से आप एक अच्छा वेल प्रेजेंटेड केस को सर जो है वो चाह कह रहा है ना, उसके अंदर थोड़ा सा मजीद यू नो डाइव इन कर लेते हैं ना कि जब हम बात करें कि जी एक्सेप्शनल एबिलिटी वाले को ही कंसिडर किया जाएगा, तो एक्सेप्शनल एबिलिटी किस तरह से प्रूव होगी, क्योंकि फिर अगेन बात वहीं पर घूम के आ जाएगी कि जी हर किसी को कहा जा रहा है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री है 5 साल का एक्सपीरियंस आप चले जाएँ, या आपके पास एक्सपीरियंस कम है मास्टर डिग्री है तो आप चले जाएँ, तो एक्सेप्शनल एबिलिटी यहाँ पर किस तरह प्रूव होगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्या क्या हमें चाहिए। देखिए एक तो ये है कि ये प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इन डिटेल जो है ना बहुत ज़्यादा आपको सिवाय US के इमिग्रेशन लॉज में आप जाके जब देखेंगे तो आपको शायद समझ में वो हर बंदे की दस्तरस नहीं है और हर बंदे के समझने का काम नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ जो है वो प्राइवेट वेबसाइट्स के ऊपर या दिस एंड दैट यूट्यूब्स के ऊपर लोग जो बात कर रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, तो आपको बहरहाल कोई चांस है बंदा नहीं उतार के लेके आना, लेकिन उन लोगों के ऊपर वर्कआउट करना है जिनकी आपकी प्रोग्रेसिव जो है वो करियर नज़र आना चाहिए, और आप जस्टिफाई करें, आप कहें कि मैंने बड़ा मुश्किलों से चलता फिरता मैंने डिग्री हासिल कर ली, आपके ग्रेड्स मायने करेंगे, आपकी एबिलिटी मायने करेगी, आपने प्रोजेक्ट्स क्या किए, आप डिफाइन क्या करें, करने क्या जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर मैच होंगी, एंड देन लास्ट जैसे मैंने देखा कि वो इंटरेस्ट है US का कि नहीं है, आपके ऊपर वो इन्वेस्ट क्यों करें, कि आपको बुलाए क्यों, कि सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर आप आए और जॉब ढूंढते रहें नहीं, ऐसे आपने प्रोजेक्ट अपना जो है वो डिलीवर करना है, या इंडिविजुअल जिसको हम वर्ड यूज करते हैं US के अंदर इमिग्रेशन लॉज के अंदर, वो फोकस होना चाहिए कि प्रोजेक्ट्स डिटेल्स आपके पास क्या हैं, आपकी अपनी एबिलिटी जिसको वायबिलिटी आप कहते हैं वो उसके साथ है या नहीं है, एंड देन वो जो प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन को आप लेके आ रहे हैं वो US के इंटरेस्ट के लिए है नहीं,
लाइक आप जो है ना कोई इनोवेशन करते हैं, आपकी रिसर्च हाईली है, आप इंटरनेशनल रिसर्चर्स आपके पास हैं, आपको बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे, लाइक फॉर एग्जांपल कंसर्न्स कहता है कि भाई मैं तो आपको आप तीन चार रिकमेंडेशन ले लें, हाँ जी, सिर्फ ये काम आपके रिकमेंडेशन तो हर जगह बन जाते हैं। पाकिस्तान का नहीं पता कि लोग पाकिस्तान के अंदर रिकमेंडेशन जो है वो गली कूचों में बना लेंगे, सही है, वो आपको करेंगे, उसको आपको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा विद डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स विद डिफरेंट प्रूफ्स। एक बंदा कह रहा है कि मैंने मेरे मुझे अवार्ड मिला है, वो अवार्ड कहाँ है, वो कहाँ पब्लिश हुआ है, वो कहाँ रिकॉग्निशन मिली है, किसने दिया है, वो चीज़ किधर अवेलेबल है, उसमें कितना आपको प्रोग्रेसिव फायदा हुआ है। आप कह रहे हैं मेरे 30,000 रुपये 40,000 50,000 रुपये की सैलरी है और मुझे जो अवार्ड रिवॉर्ड मिल गया, तो उसका रिवॉर्ड अवार्ड कितना बड़ा है वो भी काउंट होगा, उसका इम्पैक्ट भी काउंट होगा। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हर बंदा ठीक है इन्वाइटेड तो हर बंदा है, हम इवैल्यूएट करें, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी दयानतदारी अगर करें प्रोफेशन के लिए, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ सेल, अगर आप करते रहेंगे, हमारा ये प्रोफेशन हमेशा इसीलिए बदनाम होता रहेगा और होता रहता है कि लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं। ठीक है, हम मैंने तो बड़ा जो है ना वो डेवलप किया है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लोगों के साथ किस तरीके से डील करनी है, किस तरीके से अपने काम करना है, अच्छा भी होगा बुरा भी उसके अंदर होगा आप, लेकिन अपने तई जो है वो अच्छा डिलीवर करें, अपने तई आप जो है ना जितनी आपके पास स्किल्स हैं, जो लोग एतबार करते हैं, जो हमसे काम कराना चाहते हैं, हमारा अपना ही पोर्टफोलियो माशाल्लाह इतना बड़ा है क्लाइंट्स का कि जो लोग अब देखेंगे, क्योंकि हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, हम टेकअप करने जा रहे हैं, उन लोगों को हम जब प्रॉपरली गाइड करेंगे तो हम वो हर चीज़ का वो ख्याल रखेंगे पिटीशन के अंदर जो उनके लिए अप्रूवल का बायस बने, ना कि सिर्फ क्योंकि अभी न्यू प्रोग्राम में वीज़ाज है नहीं, हम सिर्फ खेल रहे हैं, हम सिर्फ पैसे बना रहे हैं, क्योंकि इस हद तक आपने पैसे देने हैं उसके बाद नहीं आपने करना, तो ये तो खासा है। और ये नहीं मैं कह रहा कि मैं कोई फ्री ऑफ कॉस्ट पर काम कर दूंगा, ये कर देता हूँ, बट द ओनली डिफरेंस इज बारीक जो लाइन है। और हमारे पास तो अलहमदिल्ला यू नो क्लाइंट्स का जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी इनके पास ठीक ठाक अचीवमेंट्स भी हैं, जो यू नो मीडियाज में भी घूमते हैं, जो ऐसे भी हैं कि जो पॉलिटिशियन से रिवॉर्डेड भी हैं, तो हम लोगों को वो बताएंगे वो चीज़ें कि नंबर ऑफ एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करने हैं, अगर कोई है पहले तो आपकी प्रॉपरली स्क्रूटनी होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए है, उसको आपको डिफाइन करना चाहिए तमाम के तमाम अपने आने वालों को, और उसके ऊपर फिर आप बहुत अच्छा सा वर्किंग करें, प्रोड्यूस करें रिजल्ट, और फिर जो चाहे मार्केट को कैप्चर कर लें, कोई इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि ये बात भी इस दफ़ा जो है, क्योंकि लोग सुनना भी चाहते हैं, लोग एतबार करते हैं, तो ये भी मिथ हम क्लियर करें कि ना एक एक्सेप्शनल एबिलिटी सिर्फ 4 ईयर्स डिग्री ही आपके लिए काम नहीं करेगी, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाना पड़ेगा। ये US है, हम कोई ऐसे जो है वो कंट्री से नहीं काम कर रहे जो कि बिल्कुल ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री है, ये US है, वर्ल्ड लीडर है। एग्जैक्टली, तो ये तो चीज़ बड़ी अब यू नो क्लियर हो जानी चाहिए कि ठीक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंशनड है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री हो, 5 साल का प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस हो, या मास्टर्स डिग्री हो और ये इतना सा एक्सपीरियंस हो, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये सारी चीज़ें चाहिए जहाँ पर हमारे अचीवमेंट्स भी हों, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो तो अपनी जगह वो सभी के पास होता, बात तो एक सभी के पास है, एक्सपीरियंस तो सभी की बात है, बट जिस तरह आपने कहा ना कि रिकॉग्निशन होना जरूरी है उसकी, कि आपको किसी ने जो है ना आप गिरदाने जा रहे हैं और फिर जाकर के आप यू नो US में जाकर के काम करेंगे। तो नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स के अब हम स्टेप्स के ऊपर आए थे, ठीक है अगर ये कोई रिक्वायरमेंट मीट कर लेते, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा ना कि हमारे पास तो अलहमदिल्ला ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो कि इवन पॉलिटिशियन से रिवॉर्डेड भी हैं, उनका काम रिकोगनाइज भी है और अच्छी बड़ी सैलरीज के ऊपर काम भी करते हैं और यू नो मीडियाज में भी डिफरेंट भी, तो नाउ अब ये सारी चीज़ें अगर कोई मीट कर लेता है और हमें लगता है कि प्रोग्रेसिव ये एप्लीकेंट है, पोटेंशियल भी है, तो स्टेप्स क्या क्या होंगे, पहला स्टेप क्या है, क्या हमें कोई इवैल्यूएशन करवाना, ज़्यादातर एडवांस जो डिग्री का प्रोग्राम है उसमें लोग फॉलो करते हैं करेंगे, एक्सेप्शन में थोड़ा सा और आप हाई ग्रेडिंग के अंदर चले जाते हैं, इसके अंदर आपको बहुत ही कोई आपकी पब्लिकेशन बहुत हाई हो और आपको रिवॉर्ड्स कुछ अच्छे लेवल के ऊपर है, बड़ी सारी चीज़ें एडवांस डिग्री के अंदर भी काफ़ी हद तक इंप्लीमेंट हो रही है, इंप्लीमेंटेड होती हैं उसके अंदर भी होती हैं, क्योंकि मैंने कहा अदरवाइज वो फिर पूरा पाकिस्तान ही क्वालिफाई कर जाएगा उसके अंदर, तो ऐसा नहीं होता है, और पिटीशन फाइल करना ही सिर्फ मकसद नहीं है, आपको उनको तकमील तक भी पहुँचाना है, क्योंकि एट द एंड डे आपने इंटरव्यू देना है और कंसर्न तो आपने कहना है कि आप तो अपने इंटरव्यू की वजह से रिफ्यूज हो, ऐसे ही है तो केस तो नहीं, या फिर वो बता देंगे US वाले, तो आपको लग पता जाएगा उसके अंदर भी, तो हमारी बात ना भी माने, हमने जब स्कैम भी क्रैक किया था तो शुरू में लोग नहीं माने और आज आपको इंडोर्स करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि आप जब बात करते हैं तो लोगों को समझ में आती है, उनके जहन में जाकर लगती है कि एक बात जो दिल से की जा रही है, जो बिल्कुल सच्चाई की बुनियाद पर की जा रही है, तो वो समझ में आती है, हालांकि मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मैं एज अ शहरी
एज अ मुस्लिम, एज अ इंसानियत, मैं ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि लोगों को प्रॉपर आगाही फराहम की जाए. नो मैटर लोग जो है हमने लॉन्च किया, यूएस करें नहीं करें, हमने पोर्चुगल D7 लॉन्च किया, हमने खुद इसको बंद कर दिया जहाँ हमें लगा कि इसमें सक्सेस कम होगी या चीज़ें होंगी, हम वो काम नहीं कर रहे होते हैं. तो एक दौड़ चली हुई है, वो जो भी कंसर्न हो, जो स्कैम करेगा या गलत तरीके पे काम करेगा उसको पॉइंट आउट करना ताकि लोग बच सके, जितने लोग बच सकते हैं. क्योंकि इसके अंदर बात वही है ना कि जिस तरह हमने शुरू में एक साल डेढ़ साल पहले ये आइस ब्रेक की थी कि जी अब वो वाले स्कैम नहीं होते, अब सॉफ्ट स्कैम होते हैं, तो इसके अंदर आपको पता भी नहीं चलता कि जी अच्छा ठीक है, फिर अल्टीमेटली वही वाली बात होगी कि जी डिफरेंट सिनेरियो है ना. अब तो कह रहे हैं भाई बंद भी नहीं करेंगे ऑफिस, अब हम काम भी करते रहेंगे और दिस एंड दैट भी हो जाएगा और हमारे लोग ये हो, तो बहुत ही बात हाथ से निकल गई जस्ट बिकॉज के मुल्क के अंदर फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है. बिल्कुल अच्छी. चलिए अब इसके ऊपर आ जाते हैं ना स्टेप्स के ऊपर, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट वही है, अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो हम अप्लाई कैसे करें. तो 1-3 अगर स्टेप्स आप मुझे बता सकें कि उसमें टाइम कितना लग जाता है और साथ साथ फिर हम यू नो फीस के ऊपर. असेसमेंट है सबसे पहले तो आपकी डिग्री इक्विवेलेंट होना चाहिए यूएस के ग्रेजुएट के 4 ईयर्स एडवांस डिग्री के ऊपर. तो उसकी एक ईसीए प्रोसेस जैसे हम कनाडा में करते हैं उनकी अपनी बॉडी से हम जो है वो करेंगे, तो वो आपने करवानी होगी. और उसके बाद आप जो है अपनी पिटीशन फाइल करेंगे जिसके अंदर आप बायोमेट्रिक्स भी आप लोग करवानी होगी. एंड देन जब आपका पिटीशन फाइल हो जाएगी वो अप्रूव्ड होगी, देन आपको इंटरव्यू के लिए, क्योंकि थर्ड फेज के अंदर जब प्रॉपरली एविडेंसेस को वो इवैल्यूएट करेगा पिटीशन की जो आपने डॉक्यूमेंट जमा कराए होंगे, जब उसको इवैल्यूएट होगा तो इधर या तो आपको इंटरव्यू वेव कर दे, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी के साथ ये नहीं होगा, आप खुद देख लीजिएगा. तो वो इंटरव्यूज के अंदर भी आपको रिफ्यूज कर सकता है और आपको अप्रूव भी कर सकता है. तो ये 3-4 जो स्टेप्स हैं ये फॉलो आपने करना होगा. बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ पर मैं फिर हमारे नाज़रीन को ये भी बताता हूँ कि जिस तरह आपने शुरू में बात की ईसीए की जो डिग्री इवैल्यूएशन करवानी, जिस तरह हम कनाडा में भी करते हैं, तो अगर हम उनको थोड़ा सा टाइम फ्रेम के हवाले से भी आइडिया देते हैं, तो मेरे ख्याल है जिस तरह कनाडा में भी होता है कि 1-2 महीने में इनका डिग्री इवैल्यूएशन हो जाएगा, फिर ये पिटीशन अप्लाई कर रहे होंगे और फिर उसके बाद हमें वेट करना है अप्रूवल का. नाउ ये बताइएगा कि पिटीशन अप्रूवल में कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि यूएस की जब बात आती है तो लोगों के जहन में ये है कि यार कहीं 10-10 साल तो नहीं लग जाएंगे. नहीं, ये मोस्टली जो है वो 3-4 महीने में 5 महीने में हो जाती है, कभी ज्यादा होगा तो 6 महीने लग जाएंगे. तो ये वेरीज करता है 4-6 मंथ के अंदर. मेरे ख्याल है पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक से अगर देखा जाए तो यूएस के पास बैकलॉग ज्यादा है और यही वजह है कि पाकिस्तान का चूंकि बैकलॉग कम है, लोग नहीं अप्लाई करते रहे, तो अब इसलिए प्रोसेसिंग टाइम भी काफी बेहतर हुआ है. या क्योंकि यही वजह है कि उनको चाहिए. एक तो ये बात हमने शुरू में शायद की कि जिन्हें वो कोरोना की वजह से नहीं, एक तो जनरेशन गैप है जिसकी वजह से, और जो जिस भी कंट्री में आज कोरोना के बाद खासतौर पर भी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके अंदर सर्च तो वैसे ही हो गया है. तो सडन सर्च जब होता है तो फिर लोग चाहिए होते हैं, वो गैप वो चीज़ें नॉर्मली लोकल मार्केट नहीं फुलफिल कर पा रही होती है. तो इनको जल्दी ही करना है प्रोसेस को. प्रोसेस जितने जल्दी होगा उतना ज़्यादा जो है वो उनको अच्छे लोग मिलेंगे. तो 3-4 महीने आपका यही प्रोसेस है और 2-4 महीने के अंदर आपका वीज़ा ग्रांट के अंदर ये. तो इन टोटल आप समझ लीजिएगा ऑल टुगेदर 6-8 महीने के अंदर ये प्रोसेस होने की उम्मीद है और होगा इंशाल्लाह. जब रिजल्ट आएगा तो हम भी पुट अप करने जा रहे हैं, कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं हमारे साथ, तो रिजल्ट हम बाकायदा करेंगे. और जब सुपीरियर जब करेगा तो ऑब्वियसली लोग पहले, क्योंकि एक से हमारी है अलहमदिल्ला, तो जब हम दिखाएंगे बताएंगे तो फिर वो नज़र भी आएगा. बिल्कुल ऐसी ना. लास्टली हम इसको कंक्लूड करने की तरफ जाएंगे, वो हज़रात जो हमसे इसके बारे में रब्ता भी करेंगे, हमारे अपने क्लाइंट्स भी होंगे या एक्सटर्नल क्लाइंट्स भी, तो एक सवाल जो जहन में आ सकता है कि जी आपका फिर सक्सेस रेशियो इसमें क्या है, तो वो चीज जो है ना मैं चाहूंगा. तो डजंट मैटर एक्चुअली. देखें आप एक अर्से से काम कर रहे हैं. कोरोना आ गया तो क्या डॉक्टर से लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि आपने इससे पहले इलाज किया है कि नहीं किया. आप डॉक्टर होना चाहिए, आप इंजीनियर होना चाहिए. नई कुछ चीजें आती, नई पॉलिसीज आती, नए प्रोग्राम्स आते हैं, आप को उसको समझना है और लोगों को बताना है, क्योंकि आप उस फील्ड के डॉक्टर हैं. आपके पास टाइप्स होंगे या नहीं होंगे, तो ये सारी चीजें सिलसिला चल रहा होता है. ये क्लाइंट ने डिसाइड करना होता है, स्किल्स क्लाइंट ने डिसाइड करनी है और इवैल्यूएट करनी है कि क्या सुपीरियर कंसर्निंग आदर स्माइल के ये जो बैठे हुए हैं और जो लोग बैठे हुए हैं ये क्या अहल हैं हमारी पिटीशन को फाइल करने के लिए. तो वही लोग आएंगे. व्हेन यू थ्रो पीनट यू विल गेट मंकीज. जो जिस तरह से डील करेगा उसको उसी तरीके से लोग भी मिल रहे होंगे. तो इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. स्ट्रेट फॉरवर्डली ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम चूंकि नया है, हमने टेकअप भी थोड़ा सा इसलिए लेट किया है कि हम ऑस्ट्रेलिया के लिए लोगों के साथ अभी एसोसिएट हैं, कनाडा के लिए एसोसिएट हैं. हमारा जो पोर्टफोलियो बड़ा डाइवर्सिफाइड है, नो अनलाइक एनी अदर कंसल्टेंट कि जो शायद सिर्फ अगर कनाडा पे काम कर रहा है तो शायद कनाडा पे ही कर रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया पे ऑस्ट्रेलिया पे ही है. हमारा चूंकि डाइवर्सिफाइड है, हम यूके को भी डील करते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम्स भी. आप काम पे फोकस करें, आप जब काम पे फोकस करते हैं तो आप रिजल्ट बनाते हैं, फिर लोग दुनिया उसको करती है. अब एक 20 साल की कंपनी काम करे इमिग्रेशन इंडस्ट्री से, आप क्या उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
और एक क्वालिफाइड कंपनी है, क्वालिफाइड लोग काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसमें भी हमारा जो है वो रिजल्ट होगा और लोग देखेंगे इसके अंदर, यूएस के अंदर भी एक प्रोग्राम में हाईली स्किल्ड के लिए और क्वालिफाइड लोगों के लिए इंशाल्लाह इसके ऊपर भी काम हो। सर थैंक यू सो मच फॉर दैट मच इनसाइट फॉर इन्फॉर्मेशन। और अब आपकी फिर ट्रैवलिंग आने वाली है, तो मेरे ख्याल से जो है वो कोशिश करके जल्दी वापस आएगा, हमारी ऑडियंस आपको मिस करती रहती है। थैंक यू सो मच। सो आई होप कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप यूएस EB2 NIW प्रोग्राम को अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एंड वील बी डेफिनेटली हैप्पी टू असिस्ट यू विद आर लाइजन एंड काउंटर पार्ट हैविंग एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन दिस इमिग्रेशन इंडस्ट्री ऑफ मोर देन 20 ईयर्स। वील बी डेफिनेटली हैप्पी टू असिस्ट यू टू। फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट इवैल्यूएशन यू कैन सिंपली ईमेल अस योर अपडेटेड रिज्यूमे ऑन info@superior.com.pk एंड वील डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद अ पॉजिटिव असेसमेंट। सो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसको लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। एंड दिस इज अबू बकर आदिल साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।